और एक लड़का आया वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बोला कि मुनोर भाई मेरी चारों बहनों से शादी कर लो <laughs> दिन में एक घंटा ऐसा आता है जिसमें हम लोग अनब्लॉक करके जाते देखने <laughs> दूसरा अकाउंट बना लेते हैं किसी का मजाक उड़ाना ही कॉमेडी आप, आप पहली बार तभी हंसे कि जब आपने किसी को गिरते हुए देखा आप जब छोटे बच्चे थे तब तो आपके पास ह्यूमर नहीं था ना कि कोई जोक सुना आप सुन लो आपने टॉम एंड जेरी को गिरते हुए देखा आप हंस दिए मैं वो नहीं वो स्ट्रगल था ही नहीं वो लाइफ थी स्ट्रगल लगता ही नहीं था क्योंकि हमें लगता था हमारे आसपास भी लोग ऐसे ही थे कि हमें लगता है कि ऐसे ही होता होगा दिल पे मत लो उस पे मत लो दिल पे लो बुरा लगता है जो लगता है तो लगा आ, प्रॉब्लम बस यही है कि अटको मत कहीं मैंने खोया है अपनी हर प्यारी चीज को मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा एक शायरी लिखी है कभी मिलोगे तो सुनाऊंगा तो बस्सी भाई को गाने दो सुनाया था तो बस्सी भाई ने बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लेकिन गवाह किसी और से <laughs> <laughs> सच्चे दोस्त थे वो। था जब आप गलती करना बंद कर देते हो ना काम में तब आप बॉस खुद बन जाते मुझे लगता है ये तो हमें सर्कुलेट कर दीजिए पूरे ऑफिस में आपका फायदा ही हाँ, भी, तो भी होंगे ना फिर कोई हाँ, ना उन्होंने पेपर फेंके अभी तक ना मैंने पेपर फेंके तो कोई ऐसा है जिसको पहले पर्दे पे देखा तो लगा इसकी आंखों में नूर है और अब जब मिले तो लगा बस हूर है लेकिन नूर थोड़ा दूर है सबके साथ ये फील होता है <laughs> तो गाइस आज हमारे मोहल्ले में हैं द वन एंड ओनली मनावर फारूकी थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू ये हमारा मोहल्ला इसमें स्टूडेंट्स हैं पत्रकार हैं आहा। कुछ खुराफाती भी हैं आपके जैसे बिल्कुल तो, अलग अलग तरह के सवाल होंगे लेकिन एक कंडीशन होगी ये मुनावर का सबसे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल इंटरव्यू इसमें सिर्फ बातें होंगी मस्ती होगी और इनके बहुत सारे सीक्रेट जानेंगे जो ये बताना चाहते हैं जो बताना नहीं चाहते वो वैसे भी नहीं बता <laughs> <laughs> तो सबसे पहले तो नूर के लिए बहुत बहुत बधाई थैंक यू सो मच शुक्रिया बुलाने के लिए और इतनी इज्जत के लिए और आप सबका शुक्रिया सब अच्छे लग रहे हो नूर के बारे में सबसे पहले तो बताइए कि कैसे आपने बनाया खुद ही आपने इसमें सब कुछ किया है तो आ, पैसे बचाने के लिए किया या अंदर का कलाकार जो है वो कहीं ना कहीं मचल रहा था आ, पैसे बचाने के लिए नहीं किया खुद खुद लिखना पसंद है और सबने बोला कि इतना अच्छा लिख रहा है तो गा भी तू ही हुँ। तो गाने के लिए भी पुश किया और हम लोग ने म्यूजिक प्रोड्यूसर कोई और है तो उसने म्यूजिक के साथ भी बहुत जस्टिस किया और नूर का आइडिया ये था कि किसी से आपको जब प्यार हो जाता है पहली बार देख हाँ. के और वो इंसान आपकी पहुंच से बहुत बाहर है हाँ. लेकिन प्यार तो हो गया हाँ, हाँ. तो जब आप किसी से प्यार करते हो हाँ. तो आप उस इंसान को आप दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजों से कंपेयर करना हाँ. शुरू कर देते हो हाँ. तो, हाँ. तो इसमें कहानियों की हूर कहा है हाँ. सितारों से दूर हाँ. कह दिया है मेरी रातें बेफिजूल क्योंकि तेरे बिना गुजर रही है तो बस एक एक तरफा प्यार प्लस पहली नजर का प्यार तो जब ये हो जाता है तब जो फीलिंग है और तब जो चीजें निकलती है आपके दिल से वो सारी चीजें बस तारीफ है इसमें तो मुझे लगता है ये तो आप सबने यहाँ पे फील किया ही होगा सबको प्यार व्यार तो हुआ ही होगा कोई बात नहीं मम्मी पापा को ये वाला शॉट नहीं दिखाएंगे हम ठीक है प्यार तो हुआ ही होगा तो ये कहानी इन सबकी है मेरे ख्याल से हम सबकी है बिल्कुल हम सबको कई बार मतलब अंगूर खट्टे टाइप महसूस हुआ है जिंदगी में बिल्कुल आप सबको हुआ नहीं हुआ है करवाओ यार आपने एक एक करके गाना रिलीज करने का प्लान क्यों किया जैसे मदारी आपकी पूरी एल्बम का नाम है सो so, ये येजिकली uh, किया या आपको वक्त चाहिए था गाने बनाने के नहीं, लिए? नहीं नहीं गाने हमने जब पहला गाना अलग बीटी जो जनवरी में रिलीज किया तब हमारे पास गाने ऑलमोस्ट रेडी थे सिर्फ उस उसपे फाइन टच करना बाकी था बट फिर वही प्लान था कि हम दो सिंगल रिलीज करें ताकि लोगों को थोड़ा हाइप हो जाएगा एल्बम आ रहा है एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं फिर थर्ड जैसे ही आएगा अभी जैसे नूर रिलीज हो चुका है तो अभी थर्ड जून, अपने जून को हमारा मदारी ड्रॉप हो रहा है हुँ. पूरा आल्बा, पूरा एल्बम एल्बम तो हम मेरा रिएक्शन यही था कि ठीक है क्या हुँ. सही है क्या सबने बोला सही नहीं है बट हो सकता है तुझसे हो सकता है बस तुझे थोड़ी मेहनत करनी है तो फिर उस पर मेहनत करके हमने सही किया उसको

वो वो उस वक्त नीयत भी वैसी होती थी लाइक ओके कुछ पसंद है और अच्छा लगता है बस हुँ, हुँ। हमें आगे कुछ पता नहीं होता था तो ऐसा तो बहुत हुआ है अब मोहल्ले वाले जो हैं वो नाराज हो जाएंगे कि भाई मुनावर आए और ये सारे सवाल खुद ही पूछे जा रहे हैं तो तोनाक्षी आई थिंक यू शुड स्टार्ट सर जैसे आजकल क्या होता है कि लेटेस्ट रिलेशनशिप्स में कि जब लड़ाई हो जाती है दोनों पार्टनर्स में तो कोई किसको ब्लॉक कर देता है सामने वाला आपको ब्लॉक कर देता है कभी आपके साथ हुआ है ऐसा या फिर आपने किसको किया हो किसी ने आपको किया हो कभी आ एक पहले पहले बोलूंगा कि पहले पहले रिलेशनशिप्स में ये हुआ है बट फिर उसके बाद नहीं हुआ है पता चल गया कि इससे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं वो दिन में एक घंटा ऐसा आता है जिसमें हम लोग अनब्लॉक करके जाते देखने <laughs> ये दूसरा अकाउंट बना लेते <laughs> तो वो वो जब वो घंटा आ ही जाता है कि कि एक वक्त आता है कि जब अनब्लॉक करके देखने जाना ही है। तो फिर रियलाइज हो गया कि ये सब करके कुछ फायदा तो है नहीं। तो आई थिंक ऐसे रिलेशनशिप टूटे ही ना कि जिसमें ब्लॉक ब्लॉक करना पड़ जाए ब्लॉक अनब्लॉक पे कुछ सोचा नहीं बनाने के लिए कभी ये आजकल का सबसे बड़ा मतलब ब्रेकअप तो बाद में होता है उससे पहले कई दौर का ब्लॉक अनब्लॉक चलता है

वो जो ड्रामा है उससे मैं बहुत तंग हूँ जिंदगी में ड्रामे से तो बहुत तंग हूँ जिंदगी में तो मेरे को ड्रामा नहीं लाना है मुझे खुद रियल जो खुद का कॉन्टेंट है वो करना है और प्लस आ, मैं उतना कर नहीं पाऊंगा शायद मुझे लगता है कि मैं रोज एक ही स्टोरी या आठ घंटा एक ही चीज पे काम नहीं कर पाऊंगा यही रीजन है कि मैं स्टैंड पे भी स्टिक नहीं रहता शायरी भी करता हूँ रैप भी करता हूँ गाने डायरेक्ट भी कर लेता हूँ और अभी सिंगिंग भी कर रहा हूँ तो आई थिंक मुझे बोर हो जाएगा वो तो मुझे लगता है एक वजह ये भी होगी कि आप करेंगे यहीं के कलेश नहीं निपटते तो दूसरे वालों वाले हाँ, तो हाँ, हाँ मतलब मैं को पाकिस्तान क्यों जाऊंगा एकता कपूर है ना ये ये बात हुई ना एकता कपूर है अगला सवाल हेलो सर माय सेल्फ इशिता मिश्रा फ्रॉम गुलशन कुमार सर आई हैव अ आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम गुलशन कुमार के इंस्टीट्यूट से ना उनकी तो दो ही बेटियां हैं एक्चुअली एक्चुअली हमारे कॉलेज मुझे कोई सिटी है

जो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ओवर नहीं होता या तो आप अच्छे हो या तो आप बुरे हो आप अगर फनी नहीं हो तो नहीं हो मतलब यहाँ पे कुछ ओवर नहीं हो जाएगा कि आप बुरे हो फिर भी चल गए यहाँ पे तुक्के नहीं चलते यहाँ पे सच में कंटेंट और तुम्हारा फनी होना ही चलता है इस वजह से जो ऑडियंस आपका आता है वो काफी जेन्यून ऑडियंस आता है और वो वही ऑडियंस होता है जो टिकट खरीद के आपको शो भी देखता है और उसके नुकसान ये है कि सेंसिटिव बहुत हो चुके हम लोग फिलहाल बहुत टाइम से जब से इंटरनेट को हमने चीजें बेचने का इंसान बेचने का दुकान बना दिए जब से से मतलब आज साल पहले आप वगैरह यूज करते थे तो हम फोटोज को लाइक करते थे और नीचे कुछ, अच्छे अच्छे कॉमेंट करते थे और कुछ के बाद की बात हुँ। करो दस साल अच्छे अच्छे कॉमेंट करते थे आज ऐसा नहीं हो गया आज बुरे कॉमेंट ज्यादा देखने मिलते हैं कि तूने क्या पहन लिया है ये क्या खा रही है तो क्यों दिखा रही है अच्छा चैरिटी कर रहे तो तो हो तो क्यों दिखा रहे होता है जो रियल हो ओरिजिनल हो हम लोग ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करते है तो आई फील के लोग कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ऑफेंसिव ढूंढ लेते हैं कि भाई मुझे तो ये बात बुरी लग गई तो आई थिंक ये इसके नुकसान है क्योंकि कॉमेडी में हो जाता है क्योंकि कॉमेडी इट्स ऑल अबाउट इंसल्टिंग पंचिंग ना किसी का मजाक उड़ाना ही कॉमेडी है आप, आप पहली बार तभी हंसे कि जब आपने किसी को गिरते हुए देखा आप जब छोटे बच्चे थे तब आपके पास ह्यूमर नहीं था ना कि कोई जोक सुना रहा आप सुन लो आपने टॉम एंड जेरी को गिरते हुए देखा आप हंस दिए तो किसी का नुकसान किसी की ट्रेजेडी किसी का इंसल्ट होना ही कॉमेडी है अब क्या कर सकते जोक का मतलब ही है तो इसलिए हो जाता है लोगों का ऑफेंड अच्छा, करना, बहुत बहुत करना चाहते हैं मैं आपके बारे में पढ़ रहा था सुन रहा था आपने शुरुआत में बड़ा ऐसा छोटे छोटे काम भी किए मतलब स्ट्रगल आपका बहुत बड़ा रहा मतलब लोग जानते हैं मुनावर फारूकी जब स्टार बन गया उससे पहले का स्ट्रगल कोई नहीं जानता थोड़ा समय मैं वो तो जानना चाहूंगा बर्तन की दुकान पे काम किया क्या कैसे शुरुआत किया आपने? आ, पहली बात तो मैं वो नहीं वो स्ट्रगल था ही नहीं वो लाइफ थी स्ट्रगल लगता ही नहीं था क्योंकि हमें लगता था हमारे आसपास भी लोग ऐसे ही थे कि हमें लगता है कि ऐसे ही होता होगा कि पिक्चर देखने ईद के दिन जा रहे तो हाँ ईद के दिन जाते होंगे बड़ी बड़ी होटलों में तो बर्थडे के दिन ही जाते तो हमें यही लगता था और कोई ना ड्रीम थे ना कुछ ऐसा स्ट्रगल था कि आज मुझे मैं समोसे भी बेचे राइट तो मैं वो समोसे बेच के मैं नहीं सोच रहा था कि एक समोसे का एम्पायर खड़ा करूंगा एक दिन तो ये था रोज समोसे ही बेचूंगा मैं। आज भी बेचूंगा कल भी बेचूंगा दस साल बाद भी बेचूंगा तो वही मेंटेलिटी थी तो वो स्ट्रगल नहीं था वो लाइफ थी स्ट्रगल मुंबई में जब 2007 में आया तब भी कमा ही रहा हूँ कमा ही रहा हूँ एक टाइम आया कि जब रोज कमा रहा हूँ रोज खा रहा हूँ रोज कमा रहा हूँ रोज खा रहा हूँ ऐसी मेडिकल कंडीशन जब घर में आई डैड को पैरालाइज हुआ 2009 में तब फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि पैसा नहीं है अपने पास क्योंकि दवाई लानी है और पहली बार ऐसी कोई अलग से रिस्पांसिबिलिटी आ गया अभी तक क्या था कि घर चलाना है खाना खाना है पहली बार ऐसा कुछ झटका आया कि ओ ये चार हजार रुपये पांच से आएगा तब रियलाइज हुआ कि ओके कुछ करना पैसा नहीं है तब पता चला कि हाँ गरीब है अपन तो उस वक्त के बाद से पैसा कमाने का वो जो भी मन हुआ कि अब हुआ के नहीं अब मेरे को पैसा कमा फिर इधर उधर हाथ पैर मारते 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 वो सब सब कुछ काम कर लिए जिससे पैसा मिलता था वो करते करते कॉमेडी हो गई और पहुंच गई इधर तो सोचा कैसे कि कॉमेडी करने सोचा हसाना मुझे लगता सबसे मुश्किल का आ, सोचा ही नहीं था

मुझे चीज मिली ना कि माइक हाथ में मेरी अपनी लाइफ में कभी नहीं गया मैं कॉलेज भी गया नहीं हूँ तो मैंने वो लाइफ में पहली बार वो चीज एक्सपीरियंस करी तो वॉज लाइक यार ये तो कितनी अच्छी चीज है मैं करते रहूंगा तो बस मैं वो करता रहा उसमें मेहनत करते रहा और करियर बन गया फोटो खिंचवाने गए थे और उसके बाद आज मोनावर के साथ फोटो खिंचवाने के लिए मुझे लगता है वेरी इंस्पायरिंग अगला हाई सर माई नेम इज़ कशिश गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम एम टी यूनिवर्सिटी नोएडा सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है जैसे आप अभी करंटली म्यूजिक वीडियोज कर रहे हो एक्टिंग भी कर रहे हो तो ऐसी कौन सी हीरोइन है जिसके साथ आप ऑन स्क्रीन रोमांस करना पसंद करोगे आलिया भट्ट <laughs> 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 मैं बताऊंगा आलिया भट्ट को तो, तो अल, अल आलिया भट्ट। <laughs>

वहां पे आपकी पर्सनैलिटी का पूरा हिस्सा नहीं दिखता आप आप लोग आपको समझ जाते हैं कि बहुत है ना बट रियलिटी शो में ये होता है कि वो आपको एक्चुअल में देखते हैं कि तू स्टेज पे नहीं है तू परफॉर्म नहीं कर रहा है तू रियल में है और जब चौबीस घंटा कैमरा हमारे सामने रहता है अभी एक घंटे में हम भी भूल जाते हैं कि कैमरा चालू है तो 24 घंटे जब कैमरा आपके सामने रहता है तो आप अपने आप ही बहुत रियल हो जाते तो आई फील कि जब वो रियल पर्सनालिटी लोगों को अगर पसंद आ गई आपकी फिर आप बाहर आके गाने गाओ एक्टिंग करो स्टैंड अप करो वो सब आपसे कंज्यूम करेंगे जस्ट बिकॉज नाउ दे आर इन लव विथ योर पर्सनलिटी उनको आईपीएल पे भी जोक बहुत लोग कर रहे हैं बट उनको सुनना है कि मुन्वर आईपीएल पे क्या जोक कर रहे हैं बिकॉज दे लाइक योर पर्सनैलिटी तो रियलिटी शो इस तरह हेल्प करते हैं और आई थिंक मेरे साथ ये हुआ लगा, आसान लगा या दोनों ही अपने आप में बहुत टफ है गाना गाना टफ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा गाते हैं हाँ। पर हम जब माइक पे आते हैं तब हमें पता चलता है कि कितना बुरा गाते हैं और अभी उसमें गले का ख्याल रखना पड़ता है सेशंस के टाइम पे ऐसे ऐसे सिंगर्स से मिला जो तेज बात तक नहीं करते वो बहुत स्लो बात करते उनके गले का ख्याल रखते हैं बहुत हर चीजों का और मैं कभी ख्याल नहीं रखता था तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो कितना जरूरी है अभी मैं दो रात से सोया नहीं हूँ ट्रेवल कर रहा हूँ अभी मैंने अभी गर्म पानी मंगा के पिया तब मुझे एहसास हो रहा है कि गला कितना थक जाता है पहले नहीं होता था अभी इसका ये सब ख्याल रखना पड़ता है

और अनुभव सिंह बस्सी सब हुँ, जानते हैं तो बस्सी भाई को गाने दो सुनाया था तो बस्सी भाई ने बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लेकिन गवा किसी और से सच्चे दोस्त थे वो तो बस्सी बस्सी भाई ने मेरे को बोला था गवा किसी और से तो मैं उनको बोला हाँ वो कोई और ही गाएगा आ, उसको ठीक कर लूंगा हाँ मैं ऐसे करके तो फिर मुझे भी कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि नहीं इतना परफेक्ट नहीं कर सकते

काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि यू नो उसके साथ एक लाइफ तो जब आप स्टार नहीं थे उससे पहले आई एम श्योर आपने फिल्में देखी होंगी और अब आप एक स्टार हैं एक सेलिब्र हैं एक सेलिब्र स्टेटस है आपसे जुड़ा हुआ तो अब जब आप गए आपके सेलिब्र फ्रेंड्स बने तो कोई ऐसा है जिसको पहले पर्दे पे देखा तो लगा इसकी आंखों में नूर है और अब जब मिले तो लगा बस हूर है लेकिन नूर थोड़ा दूर है <laughs> <laughs> सबके साथ ये फील हो रहा <laughs> है

कि ये बहुत खूबसूरत है सच में बेहद खूबसूरत तो गाने का इंस्पिरेशन तभी तो आया नहीं 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 <laughs> गाने का इंस्पिरेशन उससे नहीं आया उससे पहले गाना बन चुका था <laughs> आ, बट गाने का इंस्पिरेशन यही था कि कि वो ही है कि अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया है तो उसका खूबसूरत होना मतलब हमने तो ये बना दिया है कि गुड लुकिंग को खूबसूरत है बट अगर आपको प्यार होता है वो इंसान कैसा दिखता है उससे मतलब नहीं है आपके लिए वो इंसान क्या है वो मतलब करता है कि आपके लिए तो वो कहानियों की हूर है अर्शद के पास भी कुछ अच्छा सा सवाल था अर्शद पीछे कुछ हाँ कुछ डिस्कस कर रहा था मेरा नाम अर्शद अच्छा लिखते हैं और हमने भी कुछ लिखा है जी जी <laughs> अर्शद ने कैमरा हिला डाला मुनवर माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं मेरा नाम मोहम्मद अरशद है और मैंने भी एक सस्ता कुछ लिखा हुआ है अब पता नहीं आपको अच्छा लगे ना लगे मैं यू इन अ स्टोरी से शुरू होता है प्यार का पहला राउंड यू अ स्टोरी से शुरू होता है अगर किया है तो फिर उसको कैसे मनाया आपने क्या क्या किया है उसके लिए आ, मुझे किसी लड़की ने आई ब्लॉक किया, नहीं किया? और अगर किया हो तो मुझे पता नहीं है <laughs> <laughs> मतलब मुझे पता नहीं और किया हो तो पता नहीं बट आई थिंक मैंने ऐसा किसी को तंग किया जो ब्लॉक कर दे मेरे तो रोज दो चार कर ही देते हैं <laughs> तो इस तरह के मैसेज भेजना बंद करो थैंक <laughs> यू अच्छा, ये बताइए आजकल की जो जनरेशन है ये वाली जो जनरेशन है ये बड़ी जल्दी डिसहार्टन भी हो जाते हैं मोहब्बत में एग्जाम में नंबर कम आ गए बॉस ने डांट दिया तो कुछ इनके लिए आपके पास कुछ मंत्रा है कुछ कहना चाहेंगे इनसे क्योंकि आप जिस तरह के आइकॉन हैं लोगों को

उनके बिना भी, भी रह रहे तो कहीं पे भी किसी के दिल टूटने से कुछ होता नहीं है और बॉस से बॉस से डांट खाना या वो करना आई थिंक सबसे बेस्ट चीज है uh, if, अगर मैं <laughs> नहीं यकीन मानो अगर मैं आज दो अगर चार चीजें कर पाता हूं ना तो जस्ट बिकॉज ऑफ माय बॉस कि वो इंसान जब मेरे पास बैठ के काम करता था तो वो सच में चार लोगों का काम करता था और वो मेरे दस अच्छे कामों पे एक छोटी सी गलती पे भी ऐसा पेपर मुंह पे मार देता था कि व्हाट इज दिस क्या है धर्मशाला है क्या <laughs> तो मुझे याद है कि मुझे बहुत गुस्सा आता था उस इंसान पे बट कहीं ना कहीं उस इंसान ने मुझे इतना शार्प कर दिया चीजों को लेके कि मैं परफेक्ट हो गया कि मैं गलती की गुंजाइश नहीं रखता था और जब आप गलती करना बंद कर देते हो ना काम में तब आप बॉस खुद बन जाते हो।

तो आपकी शायरी बहुत फेमस हुई तो लाइक इंस्पायर्स यू वो शायरी लिखने के लिए और हमारे लिए अभी कोई एक शायरी हो जाए कौन सी शायरी थी जो like, जो भी शायरी आप बहुत सारी शायरी बोली है ना लॉकअप में तो। बहुत बहुत तो वो इंस्टाग्राम पे हर जगह वायरल हुई थी तो व्हाट इंस्पायर्स यू इन जनरल लिखना पसंद है मुझे और आई ऑलवेज फील के आ, आप जब लिखते हो शायरी या कुछ भी कोई भी कॉन्टेंट आप बहुत सारी बातें कह देते हो जैसे हम मूवी देखते हैं मूवी में हम कभी कभी बायोपिक देखते हैं राइट एक इंसान की पूरी लाइफ हम ढाई घंटे में देख लेते हो और कभी कभी हम एक म्यूजिक वीडियो देखते हैं जिसमें ढाई मिनट में हम पूरी एक स्टोरी देख लेते हैं शॉर्ट फिल्म देखते हैं तो आई थिंक राइटिंग और कॉन्टेंट का यही है कि आप कोशिश करो कि छोटी सी छोटी बातों में एक पूरी कहानी कह दो तो शायरी आई थिंक वो बहुत अच्छे से करती है तो मैंने एक लॉकअप में एक शायरी आई थिंक बहुत सारी शायरी थी बट एक शायरी मुझे भी पसंद है और लोगों को काफी पसंद आई थी जिसका नाम था एक शायरी लिखी है कभी मिलेगी तो सुनाऊंगा तो अभी आप सुना दीजिए तो तो फिर तो मतलब मजा आ जाए बिल्कुल एक शायरी लिखी है कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा तेरी सीरत साफ शीशे की तरह मेरे दामन में दाग हजारों है तू नायाब किसी पत्थर की तरह मेरा उठना बैठना बाजारों में तेरी मौजूदगी का एहतराम कर भी लू जब तू होगा रूबरू मैं ये जज्बात कहां छुपाऊंगा एक शायरी लिखी है कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा तुम एक उम्र लेकर आना मैं खाली किताबें ले आऊंगा तोड़कर लाने के वादे नहीं मैं कलम से सितारे सजाऊंगा मेरे इंतजार की इंतहा पे शक कैसा मैंने तेरे आने पर ताउ्र लिखी है एक शायरी लिखी है कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा इस जमीन पे कोई खास है नहीं मेरा तू एक बार कबूल करे मैं अपने गवाहों को आसमान से बुलाऊंगा एक शायरी लिखी है कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा कई रात से जागा हूं इन अंधेरों में तुम थोड़ा सा नूर ले आओगे मेरे तकिए गीले हैं आंसुओं से क्या तुम मुझे अपनी गोद में सुलाओगे सुना है बाग है तुम्हारे आंगन में मेरे ला हासिल बचपन को वो झूला दिखाओगे मैंने खोया है अपनी हर प्यारी चीज को मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा एक शायरी लिखी है कभी मिलोगी तो वैसे इसमें इसमें नूर शब्द भी आ गया इस वक्त तो आपने सोचा नहीं होगा कि नूर गाना बढ़ा नहीं वो नूर वो क्लाब, वो में बहुत है वो कैबलरी में बहुत अच्छा कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप एकदम डाउन हो गए डिप्रेस हो गए रोज तो फिर खुद को रोज रोज ऐसा क्यों <laughs> तो कैसे खुद को फिर आप मोटिवेट करते हैं आ, मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आई फील कोई ऑप्शन नहीं होता है घर पे अगर आई एम फील मैं बुरा फील कर रहा हूँ तो मैं वो बुरा फील पूरी जिंदगी भर नहीं कर सकता मुझे अगर अच्छा फील करना है तो मुझे बुरा फील करना जरूरी अगर मैं बुरा ही फील नहीं करूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा अच्छा फील करना क्या होता है तो आई थिंक मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती खुद ही पता चल जाता है कि कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास बाहर जाके मेरे को कमाना है और ये जो इतने लोगों का प्यार है उनको कहीं ना कहीं एंटरटेन करना है तो लिखना पड़ता है जोक वगैरह शायरी वगैरह आपके फेवरेट शायर कौन है वैसे तो काफी है राहत इंदौरी साहब को मैं बहुत सुनता था और वसीम बरेलवी साहब हो गए जॉन एलिया हो गए फैज़ अहमद हो गए अलामा इकबाल हो गए तो ये सारे ही शायर को मैं बहुत सुन कोई ऐसी लाइने या कुछ शायरी जो आप खुद अपनी ज़िंदगी में अमल में लाते हो आपको जैसे आपने कहा कि रोज़ ऐसा होता है खुद को मोटिवेट करते हो या ख़ुद को कहते हो वो शब्द आ, दो लाइन ही है अलामा इकबाल का शेर आ, बहुत छोटी बात में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि मुंतजर मेरे जवाल के हैं मुंतजिर मतलब इंतजार में बैठने वाले लोग मेरे जवाल के जवाल मतलब बुरा वक्त तो मुंतजिर मेरे जवाल मेरे ज़वाल के हैं अपने भी कमाल के तो ये दो लाइन में उन्होंने जो सब कुछ कह दिया तो आई थिंक ये दो लाइन ने मुझे काफी हिट किया था कि ये, ये कैसे हो सकता है दो लाइन में कोई कैसे इतनी बड़ी बात कह सकता है बिल्कुल हेलो सर मेरा नाम नपुर है एंड uh, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर बिकॉज मैं आपका लॉकअप में मैंने आपकी इतनी सारी शायरियाँ सुनी आपकी मस्ती देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था एंड तब से मैं आपको फॉलो करती हूँ और यहाँ पे मौजूद हर एक इंसान जानता है कि आप कितने कमाल के कॉमेडियन है तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना बेस्ट जो क्रैक किया हो और ऑडियंस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिला हो uh, पहली चीज़ यही है कि बेस्ट जोक जो होता है वो मैं डिसाइड नहीं करता वो बेस्ट जोक ऑडियंस ही डिसाइड करती है, है। क्योंकि क्या होता है ना हम एज ए राइटर हमें कभी कभी हमारे कुछ जोक्स जो बहुत प्राउड होता है बट हमें नहीं पता क्योंकि दो लोगों को हंसाना आसान, आसान है चार लोगों को हंसाना आसान है चार सौ लोगों को एक ही जोक पे हंसाना मुश्किल है और ये तब और मुश्किल हो जाता जब उसने हंसने का पैसा दिया जब टिकट खरीद के आता है उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है तो वो जोक ढूंढना कि जो 400 लोगों में से एटलीस्ट साढ़े तीन सौ लोगों को सेम टाइम पे हंसा दे वो है बेस्ट जोक और वो बेस्ट जोक हम लिख नहीं पाते वो बेस्ट जोक ऑडियंस हमको देती है हम तो दस घटिया जोक लेके जाते और वो परफॉर्म करते हैं और उसमें से वही फिल्टर होता है और उसमें से प्रोसेस है वही कॉमेडी का आपको लगता है कि हम बस घर से कुछ सीख क्या है और हम लोग स्टेज पे बोल रहे हैं ओपन माइक्स वगैरह में प्रोसेस होता है कि हम पांच मिनट का सेट लिख के जाते हैं उसमें से चार जगह पे ही लाफ आता है तो बाकी सब हटा देते हैं। सिर्फ 30 सेकंड तो होते, 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 दे तो आखिरी सवाल ध्वनि हाय मुनावर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने पर्सनल स्पेस में हो ठीक है और कोई फैन के साथ आपका इनकाउंटर हो गया हो और बहुत ही ज्यादा मस्त और फनी सिनारियो बन चुका हो कि आप रेस्ट कर रहे हो या आप कहीं फैमिली के साथ हो गर्लफ्रेंड के साथ हो और एक फैन आ जाए आपको एकदम धप्पा करने <laughs> कभी कुछ ऐसा हुआ है बहुत बार होता है ऐसा आ, हमेशा हर जगह पे होता है आ, और मुझे अच्छा ही लगता है वो क्योंकि मैं जब फैमिलीज वगैरह के साथ होता हूँ ये वो तो अभी ऐसे हो गया कि कोई भी आता है तो लोग खुश हो जाते कि ये देखिए फोटो लेना है या या बट वो फनी एक बार हो गया था कि मैं शो पे था दोस्त लोग हम लोग सब लोग खड़े हुए थे शो पे मैं परफॉर्म करके बस उतरा था और मैं एज ए ऑडियंस में जाके बाकी के परफॉर्मर्स को देख रहा था और एक लड़का आया वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बोला कि भाई मेरी चारों बहनों से शादी कर लो था। 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 तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था, था। के यार तू बिना बिना फोटो दिखाए कैसे पूछ सकता है <laughs> मतलब आपके मन में तो आया कि चारों की फोटो देख लेता हूं, मतलब मदारी एल्बम रिलीज है yes, yes, और डेफिनेटली श्योर कि आपको अगर मेरा काम पसंद है तो आपको मदारी पसंद आएगा क्योंकि वो मेरा मेरे काम की ही झलक है कुछ तो आपको पसंद आएगा छह जून को है रिलीज तो देखिएगा बिल्कुल देखेंगे थैंक यू सो मच